झटपट मजेदार से आप लोगों की फरमाइश पर बहुत इजी वे में क्रोसांट बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम अंडा लेंगे जो कि है रूम टेम्परेचर, और इसको जरा सा फेटेंगे, और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून यीस्ट। बस मेक श्योर करें कि ये आपका बहुत फ्रेश हो, और ताज़ा लेके बनाएं तो अच्छा, क्योंकि ये आप इतनी मेहनत करेंगे और ज़ाया हो जाएगा तो अफसोस होगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है, अब इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा जो कि मैंने नॉर्मली मेजर किया है, ना लेवल्ड है ना हाई है, नॉर्मल बिल्कुल। अब इस पर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, और अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है, अब इसको हम हाथों से गून लेंगे। तो ये हमें नरम की साइड पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन सख्त भी नहीं, बन तो उसमें भी जाएंगे क्रोसेंट, हल्का सा नरम होगा तभी, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बोल को जो है अच्छे से क्लीन कर लेंगे वरना अम्मी से डांट पड़ेगी। देखें अब ये अच्छे से जुड़ गया, टुगेदर हो गया, ये देखें इस तरह से। तब क्या करेंगे, हम बोल से हटा देंगे आटे को और काउंटर पे आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा फैलाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर मक्खन, अराउंड 1.5 टेबलस्पून के आसपास। हमारा बटर जो है वो अनसॉल्टेड है, और इसको बंद करेंगे और अब गूंदेंगे। खींच खींच के अच्छे से गूंदेंगे इस तरह से। तो ये अराउंड हम करेंगे 3 मिनट के आसपास, या जब तक ये आटा जो है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। देखिए कितना अच्छा सा हो गया हमारा आटा, 3 से 4 मिनट लगे होंगे करने में, और इसके हम 9 पेड़े बनाएंगे। और अब बॉल बनाना शुरू कर देते हैं। और अब इसको हम रेस्ट देंगे फॉर 15 मिनट्स, तो कवर कर देंगे, काउंटर पे ही रखेंगे इसी तरह। और मिलते हैं 15 मिनट्स में। देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं आटे को रेस्ट करते हुए, अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे, कवर ही रखेंगे, एक एक लेते जाएंगे और बनाएंगे। तो ये ड्राई फ्लावर में थोड़ा डालेंगे, ये इसकी थिकनेस आप देख लें किस किस्म की है, ये देखें इतनी थिकनेस है। तो इसको बना बना के यूँ रखते जाएंगे। अब हमें इसकी लेयरिंग करनी है। लेयरिंग इस तरह से करेंगे, अगेन ये रूम टेम्परेचर बटर है हमारे पास,
और ये अराउंड 1 टेबल स्पून के आसपास लेंगे और लगाएंगे इस पर। अब बस इसी तरह से रोटियां रखते जाएंगे, लगाते जाएंगे। इसके ऊपर ये रोटी रख देंगे और जैसे बराबर ना हो ना तो ये बराबर कर लेंगे इस तरह से खींच के और यूं कर लेंगे और अगेन इस तरह से लगाएंगे। अब ये कवर कर देंगे इससे, है ना, कितना इजी। तो बेसिकली अब इसे हमें सेट करने के लिए फ्रिज या फ्रीजर में रखना है। तो एक प्लेट लेंगे जिसमें मैंने सरान रैप ऑलरेडी डाल दिया है और ये थप्पी लेंगे और ये सरान रैप से कवर कर देंगे इस तरह। तो अगर फ्रिज में रखना है तो आपको 45 टू 50 मिनट्स रखना है और अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो 30-35 मिनट्स। बेसिकली जब आप उठाएं ना तब आपको लगना चाहिए ये सेट हो गई, ये ठंडी ठंडी और सेट। देखिए 30-35 मिनट्स हो गए तो हम फ्रीज़र में से लेके आते हैं। तो इस पॉइंट पर आप देख भी सकते हैं कि सही तरह से सेटल हो गया है। ये देखें ठंडा ठंडा होने के बाद भी सेटल्ड है। आटा डालते हैं दोबारा मैदा और उसको बेलेंगे। शुरू में थोड़ा सा यूं कर देते हैं हाथ से। तो ये देखें इसमें था मैंने जो है बेलन चौड़ा वाला लिया है। तो चौड़ा लेंगे, इससे क्या होता है कि बैलेंस रहता है इक्वल बिलने में ना। इस तरह से घुमाते रहेंगे और इवन हाथों से बेल लेंगे। तो इसकी एक बड़ी सी रोटी बनानी है अराउंड 16 इंचेस के आसपास। थोड़ा थोड़ा जरूरत हो तो आटा डालते रहेंगे। तो अब इसके हम पीसेस करेंगे। अब पीसेस करने के लिए हम पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये 3 हो गए ना, तो बस इसी तरह से 2 और कट लगाएंगे तो 3-3 होते जाएंगे। अब हम कुछ चूल्हे पे बनाएंगे, कुछ ओवन में बनाएंगे। तो बस रोल करना शुरू करते हैं। एक पीस लेते हैं और ये इस तरह से घुमाते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है बस इसको यूं इस पर रख देंगे और ये रखने के बाद इसको थोड़ा सा यू टर्न कर लेंगे, जो क्रोसान का शेप होता है ना वो आ जाएगा। अब आपको जिस ट्रे में बेक करना है उस ट्रे में आप रखें, ये दैट्स इट। आपने देखा मैं स्पेस रख के रख रही हूँ, इसकी वजह है कि ये अभी राइज होंगे तो ये फूल जाएंगे, तो एकदम टाइट नहीं रखेंगे, थोड़ी स्पेस देंगे इसको। और ये हमने ट्रे ली है चूल्हे पे बनाने के लिए तो ये यहाँ रखते हैं। तो बस अब इसको सरान रैप से कवर कर देंगे और राइज होने के लिए रखेंगे। डिपेंड्स ऑन वेदर, जैसे मेरे तो आराम से लग जाएंगे 2.5 से 3 घंटे। जब हमें कभी जल्दी होती है आटा राइज करने के लिए, जब हमने ईस्ट से बनाया होता है, तब क्या करते हैं कि जैसे ओवन में बंद ओवन में रख दिया और ओवन की लाइट खोल दी तो वो क्या बल्ब से, लाइट बल्ब से हीट आती है और हल्का हल्का गर्मी पैदा होती है और राइस जल्दी हो जाता है। इस मामले में ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने बटर की लेयर डाली है ना, तो वो जब लाइट पर रखेंगे तो वो एक्सट्रीम हीट काउंट होगी और बटर जो है वो हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू होगा। तो रूम टेम्परेचर पे ही रखें, बिल्कुल इसी तरह बंद माइक्रोवेव, बंद ओवन, बाहर रख लें, जो भी आपको दिल चाहता है। तो चलिए मिलते हैं इसके राइज होने पे अराउंड 2.5 से 3 घंटे में। देखिए 2.25 घंटे हुए हैं और हमारा बड़ा अच्छा सा राइज हो गया है।
और यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई जो है वो प्री हीट करने के लिए रखी है मीडियम पे, तकरीबन 5 मिनट हो गए, और वहाँ अवन मैंने प्री हीट करने के लिए रखा है 390 डिग्री फ़ारेनहाइट 200 सेल्सियस के आसपास। तो अब झटपट अंडे वाला ब्रश करेंगे। तो चले सबसे पहले चूल्हे वाला डाल देते हैं और इसे हम रखेंगे 10 मिनट तक मीडियम पे, मीडियम टू मीडियम लो पे, और फिर थोड़ा सा स्लो कर देंगे, लेकिन 10 मिनट रखेंगे। अब अवन वाले को ब्रश कर लेते हैं। अंडा लगाने की वजह यह होती है कि बड़ा शाइनी शाइनी सा खूबसूरत सा कलर आता है। अब बिलफर्ज अगर आपका दिल नहीं चाहता है अंडा लगाने का, तब आप दूध वाला हाथ लगा सकते हैं। चल अब इसको रखते हैं हमारे प्री हीटेड ओवन में फॉर 10 मिनट्स, और फिर टेम्परेचर को बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, और अब इस चूल्हे को हम कर देंगे मीडियम लो, और ओवन वाले को कर देंगे 180 सेल्सियस एंड 360 फ़ारेनहाइट। तो चले मिलते हैं 6 मिनट्स में। देखिए 6 मिनट हो गई है, हम ओवन वाले को लेके आते हैं, खुशबूएं खतरनाक आ रही है। कैसा खूबसूरत कलर आया है, इसको 2 मिनट और रखेंगे। आहा, क्या गजब के लग रहे हैं देखें। अब इसको सबसे पहले कूलिंग रैक पर रखते हैं। तो देखा कैसे झटपट बन गए हमारे क्रोसेंट, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ राइजिंग टाइम है, दैट्स इट। तो चले बताती हूँ कि लग कैसा रहा है, चूल्हे वाला भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी, ओवन वाला भी। ये देखें, और अब इसकी लेयर्स देखें आप किस तरह से निकलेगी, ये देखें, ये देखें, ये। और अब ओवन वाला बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखें ओवन वाले का भी, ये एक तो क्रिस्पी, और ये लेयर देखें आप, ये देखें पूरा हमने अनरोल कर दिया, सारे वर्क आप देख सकते हैं कैसा हशर किया है मैंने। लेकिन क्रोसेंट की यही तो खूबसूरती है कि भाई वो पूरा जो है अनरोल हो जाता है, खाते जाओ लेयर। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ऊपर का क्रिस्पी, अंदर का गुई, और ये ओवर हैवी नहीं है। और आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ से काटा और चिकन रख लें, कोई भी चीज़ आपको रखना हो रखें, और फिर मज़े से सैंडविच बना के खाएं, हाई फाई। और जबकि घर में देखें कितना बजट फ्रेंडली है, तो जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।